पशुपतिनाथ मंदिर में सावन माह की तैयारियां हुई शुरू। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में लगाए गए 41 कैमरे। श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। गर्भगृह में अब भी प्रवेश पर होगा प्रतिबंध। रविवार से शुरू होने वाला सावन माह को लेकर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई। मंदिर को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है, साथ ही कोरोना के चलते मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। रविवार से शुरू होने वाले सावन माह को लेकर मंदसौर की भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भगवान महादेव की आराधना के सावन माह को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया है, साथ ही गर्भगृह में भी साज सज्जा की गई है। सावन माह में दर्शन करने आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से 41 कैमरे लगाए गए हैं, जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में भक्तों को मास्क लगाकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि गर्भगृह में अब भी प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन माह में भक्तों की भारी भीड़ पड़ती है। एक माह में ही 1 लाख से अधिक भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। देश के मंदसौर शहर की शिवना तट पर पशुपतिनाथ जी का काफ़ी भव्य मंदिर यहाँ विराजमान है। भगवान शिव अष्टमुखी प्रतिमा यहाँ पे विराजित है और श्रावण माह में यहाँ पे काफ़ी हजारों की संख्या में लोग जो है दर्शन के लिए पहुँचते हैं। श्रावण माह की यहाँ पे तैयारियाँ की गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और घाट पे गोताखोरों की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। साथ ही जल और सफाई व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो भी यात्री आएगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पे उनके दर्शन व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार पे हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था की है। साथ ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी का दर्शन करा के हम लोग जो है मंदिर में उनका प्रवेश और निर्गम से बराबर उनकी प्रवेश व्यवस्था रहेगी। आज गुरु पूर्णिमा है, आज से गुरु महाराज का अभिषेक करके श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन से प्रातःकाल से लेकर के अनवरत दर्शनार्थी जो पधार रहे हैं उनका सोशल डिस्टेंसिंग, मुख पर मास्क एवं स्क्रीनिंग करके ही दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए मंदिर गर्भगृह के यहाँ पे नंदीगण हाल तक पहुँचाया था। यहाँ पर दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन करके दर्शन करके धर्म लाभ लेंगे। यहीं भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन करेंगे, यहीं से भगवान पशुपतिनाथ जी को माला अर्पण करेंगे एवं यहीं से पशुपतिनाथ जी का आरती पूजन अर्चन संपन्न करेंगे दर्शनार्थी एवं सभी दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं एवं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु किसी प्रकार ये कोरोना महामारी जो है ये समाप्त हो जाए, महामारी समाप्त हो जाए ताकि दर्शनार्थी सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाए। सभी दर्शनार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बाहर से ही कतारबद्ध होकर के स्क्रीनिंग करके
मुंह पर मास्क लगवा करके ही दर्शनार्थियों को गर्भ मंदिर के नंदीगण के हाल तक दर्शनार्थी पधार रहे हैं एवं दर्शन करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी दर्शनार्थी दर्शन करके सुरक्षा के साथ में, काफ़ी सुरक्षा है यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सभी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और दूर से ही भगवान का दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। कैलाश चंद भट्ट पुजारी पशु मंदिर आया आज गुरु पूर्णिमा की, आप क्या कहना लेते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए, सेकंड फिर आएंगे अब कभी भी ना। आज अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे देख के, सब जने देख के बहुत खुशी भी हो रही है, फिर उसके बाद नहीं है यहाँ पे फिर आने की भी इच्छा हो रही, बार बार यहाँ ही रहने की भी इच्छा हो रही है। बहुत अच्छा सारा मंदिर है, अंदर भी घूम के आए हम। बस क्या प्रार्थना करना है भगवान से? अच्छा यूँ ही प्रार्थना करना है। नाथ के दर्शन करने आई है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इतना पवित्र एटमॉस्फेयर देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे जैसे मालूम चला कि एक नेपाल में है और फिर इधर है, तो मैं ये मिस करना नहीं चाह रही थी, ये चांस जो मिला इसीलिए मैं आई। विशेष श्रृंगार वगैरह भी किया गया है भगवान पर? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। ओम नमः। हमारे बहन जी सब सूरत से आए हुए हैं और इनकी बहुत इच्छा थी और करीब करीब ये 18 से 20 साल बाद मंथुर आए हैं। इच्छा थी कि पशुनाथ चलें दर्शन करें, वो माहौल ही बहुत अच्छा था, आज दर्शन किए, दर्शन लाभ लिए पशुनाथ जी के। और श्रृंगार वगैरह तो अपन बहुत ही एक क्लास का वैसे होता ही है और अच्छा बना हुआ है। और यहाँ मेन जो यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, इससे संतुष्टि हमको तो क्या सबको मिलती है, आने वाले लोगों को भी मिलती है और सबके सहयोग से बहुत बहुत बढ़िया। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।